अब हम पढ़ेंगे एक सेल ऑर्गनली जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। जैसा कि आप देख सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है जबकि इनर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल लगे होते हैं जिन्हें हम F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहते हैं। ये बैडमिंटन की तरह दिखाई देते हैं, आप देख सकते हैं F1 पार्टिकल है ये, इसमें एक हेड है, ये इसकी स्टॉक है। F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम क्रिस्टी के ऊपर लगे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है साइटोप्लाज्म को। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गनली कहा जाता है क्योंकि इसमें खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन इट्स ओन डीएनए, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गनली। अगर इसे सेल के बाहर निकाल के रखें तो ये कुछ देर तक जिंदा रहेगा। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का राइबोसोम भी पाया जाता है जो कि इसके साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ा होता है। राइबोसोम राइबोसोम्स इसके में 70S टाइप राइबोसोम्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में इसके मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के फ्रीली पड़े होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होता है, खाली जगह होती है, इसे पैरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। पैरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस क्यों? पैरी माने बीच का, माइटोकॉन्ड्रियल माने माइटोकॉन्ड्रिया के, स्पेस माने खाली जगह। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ऐसा क्यों? क्योंकि जो खाना हमने खाया है और जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की है उस ऑक्सीजन को लेकर माइटोकॉन्ड्रिया हमारे फूड को बर्न करता है, जला देता है, ऑक्सीडाइज करता है और उससे प्रोड्यूस करता है हाई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ATP को प्रोड्यूस किया जा सकता है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज प्रोड्यूस्ड बाई माइटोकॉन्ड्रिया। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम फंक्शन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कह सकते हैं क्योंकि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है।